जी फिर एक नए ब्लॉग में। तो जी फिलहाल 12 बज चुके हैं, ये ओंगा पोंगा जानवर थोड़ी देर पहले सोकर उठा है और ये प्यारा सा बच्चा बहुत पहले है। जस्ट कौन तू दिख रहा है मेरी शक्ल से, इसको देख लो और मुझे देख लो, समझ आ गई गाइस। तो झूठों में यार विश्वास मत करना, तुम एक ही सच्चा प्राणी है यहाँ पे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्या बोल रही थी यार, तुम मेरे को सब भुलवा देती है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं। हाँ फिलहाल 12 बज रहे हैं गाइस और आज का जो दिन है ना हमारा, मेरा स्पेशली, हाँ तू मेरे मैसेजेस मत पढ़ किसी के फोन में नहीं झांकते। तो जी जो आज का दिन होने वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम भरे आज के दिन में। तू फिर क्यों झांक रही है, ये मेरे मैसेजेस पढ़ रही है एक्चुअली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेडनेसडे, भगवान गणेश जी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे। क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या, इतने शर्मा क्यों रही है, बी नेचुरल, नो चिल्ला क्यों रही है। तो तू धीरे क्यों बोल रही है, इतना एनर्जी कहाँ है तेरी। मैंने सोचा मैं हमेशा ही व्लॉग में चिल्ला चोट करती रहती हूँ तो आज थोड़ा ढंकी बन जाऊं मम्मी। लगता है किसी ने कुछ कह दिया है कि आंटी ओवर एक्टिंग मत करो। नहीं देखो रोज यहाँ कुछ ना कुछ आके नौटंकी करनी होती ना, कैसे कर लेती है यार। जियोगे कैसे बेटा, तुझी हमारा मम्मी बन गई, हमारा खाओ कल के डाइनिंग पे खाओ, पूरा खाना खत्म होना चाहिए वरना कुटाई करूंगी तुम्हारी, तो कैसा लगेगा। तो जी हमारा लंच आ चुका है यहाँ पे, आज 12:30 भी नहीं हुआ है, 12 बजे ही। अरे खाओ पियो मुझे फ्री करो बेटा। बाप रे। तो जी मेरे प्यारे मित्रों फिलहाल टाइम हो गया है अपना वही 4:30, हाँ 4:30 हो रहा है जी। इस बेवकूफ ने मुझे फटाफट से तैयार होने को बोल दिया है, हम तैयार हो गए हैं, एडिटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं आज सिम्बायसिस का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमें सीएल से फोन आया है, हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं जी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, जैसा भी होता है हम आपको बताएंगे। काफी ऐसा धक धक हो रहा है, अरे बिड़ू क्या होगा कुछ नहीं पता, वहीं जाते हैं रिजल्ट्स देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बिना छुपाए सीधे सच्चे आप तक पहुंचाते हैं जी। लेट हो गए अपन बहुत। तो कितने बजे बुलाया था, 4:30 और टाइम हो रहा है अपना कोई बात नहीं यार, अपन तो पापा के बच्चे हैं ना, अपन तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। अरे यार मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीयर्स गाइस। तो जी यहाँ पे हमारे चाय बनाने वाली औरत आ चुकी है, चाय चुई। आज तूने अपने आप कैसे दे दी हम दोनों को चाय, पापा आज घर पे थे ना, गाड़ी सर्विसिंग पे गई, अभी तक आई नहीं, पापा ने चाय बनाने बोला, तू तो पीती है कई बार चाय, तो मैंने कहा चलो कुक्कू से पूछा, इसने भी हाँ बोल दिया। सुन बेटा पास हो गई तो फूलों की माला तैयार है, और अगर नहीं निकाल पाई तो जूतों की माला तैयार है, नए वाले भी ले लो। हाँ उसको तो मैं यहाँ आगे हाईलाइट करके लगाऊंगी, जूतों की माला। तो जी गाइस फाइनली बहुत टाइम बाद, मैं तो बहुत टाइम बाद अंदर आ रही हूँ, उसके सीएल पहुंच चुके हैं जी, ऊपर जाते हैं। कुकू क्या फील हो रहा है यार ये बता दे तेरे को, डर लग रहा है भाई, अभी ऐसा लग रहा होगा ये बेवकूफ सी ब्लॉग क्यों बना रही है, जल्दी ऊपर चले रिजल्ट खोले चल। ठीक है गाइस ऊपर आपको मिलते हैं, ऑल द बेस्ट ब्रो। यहाँ पे एक लड़की रोई हुई पाई गई थी, क्या रोती हुई पाई गई थी यहाँ पे एक लड़की, तू अच्छा एक लड़की क्यों भाई, पूछा तो बताया और पाई गई थी क्या, नशे वशे कर रही थी क्या, पता चलो जी। One hour later. तो जी मेरी बात सुनो, शकल पे दिख गई खुशी, आ गया समझ, नहीं आया नहीं हुआ इसका सिलेक्शन। मजाक कर रही हूँ जी, बहुत हुआ। ये बहुत तेज हो रही है, ये भोपाली है ना, बहुत तेज है भाई। सुनो भोपाली मतलब तेज होते हैं दिमाग से, वो मैं कह रही हूँ, मैं भी भोपाली हूँ, बहुत तेज चलते हैं हम। सुनो स्मार्ट। तो जी सुनो अभी रुको ऊपर चलो, बताती हूँ यार बताती हूँ। Bro, are you ready to disclose, to reveal? Let's go! Okay, जी, हमने यहाँ अपने माता पिता, हमारे मॉम डैड, जन्म देने वाले प्रभु को बुला लिया है। क्या हुआ बेटा? शक्ल से तो दिख गया होगा कुक्कू का हो गया। पुणे ब्रो, गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि इसने आते ही बोला था ये भोपाल गई थी सिम्बायसिस का एग्जाम देने कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है तो मान लेना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं सिम्बायसिस पुणे इज अ बिग 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 ब्रांड। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। हमारा नहीं निकला था। और बाबा जी के दर्शन करके गए थे तो नहीं था। ओ कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड। अब क्या आगे इंटरव्यू, आगे की प्रोसेस बताते हैं जरा। और भी गाइस अब इनके एग्जाम है और तुम्हें बता दूं सिम्बायसिस पुणे तुम्हारे दोस्त ने भी नहीं निकाला था, अपन को भी नहीं मिला था। नोएडा था। अपना नोएडा था क्योंकि मेरा कोर्स भी बीबीए था, तो बीबीए के लिए नोएडा, इसका है मास्कॉम, इसके लिए है पुणे। कांग्रेट्स ब्रो, अब जाएगा अपना लौड़ा पुणे में। अभी और भी रिजल्ट पापा और मैं वही डिस्कस कर रहे थे कि रिजल्ट आने वाले हैं, तो गाइस हम आपको बताना चाहते हैं कि और रिजल्ट आएंगे तो इनके पापा पूना भेजने के सपोर्ट में वैसे नहीं है, डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या करना है। वैसे वनस्थली मेरा टॉप प्रायोरिटी है, वैसे तो आसपास ही रहे, जयपुर इंदौर भोपाल। वनस्थली इज गुड, इंदौर में भी भरे हैं, भोपाल में इंदौर, भाई दोनों बहन इंदौर। चलो तो गाइस तो अच्छा है। ये थी बिग 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 न्यूज कि कुक्कू जी का सिम्बायसिस पुणे क्रैक हो चुका है। तो एक आ गया रिजल्ट, तो एक अभी होल्ड पर है यार। मम्मी आपके दोनों ही बच्चे कितने कमाल के हैं ना भाई। हाँ यार भाई, हाँ बोल दे। चल अब आज तो हाँ बोल दे, है कि नहीं। अच्छे अच्छे नहीं निकाल पाते भाई, मैं बता रही हूँ। देखो पुणे अच्छे अच्छे। आपको ये भी बता दूं कि बुलबुल ने NCHMCT में बहुत अच्छी रैंक लाई थी और इंदौर स्टेट गवर्नमेंट का इसको कॉलेज मिला। ये तो जी गाइस फिलहाल मैं बता दूं कि क्या मैं जब ब्लॉग करती हूँ मेरे को ऐसे क्यों देखती है रे, जैसे मैं कुछ बहुत। तू वो है क्या, तू सड़कों पे देखते जब ब्लॉग बनाओ तो मैं बोलूँ। हाँ मैं देखती हूँ तू कैसे बोलती, मुझे अच्छा लगता, मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, मैं भी अपना एक चैनल खोलूंगी और ऐसे बोलूंगी। हाँ जी तो नमस्कार यार, तो मतलब चैनल पे चैनल, एक ही परिवार में इतने चैनल खुलने की बातें हो रही है। अबे एक तो चल जान दे, एक पे ऐसे व्यूज आते हैं मर मर के। तो जी मैं बता रही थी, हाँ कुछ कुछ दिन ऐसे होते ना व्हेन यू हैव समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टू डू। ले यार तू जाना सुन, सो जा थोड़ी देर जाके जा। गाइस ये देख लो यार, मैं बता रही हूँ, मेरे को बताने ही नहीं दे रही है। तो जी ऐसा है कि आज ना मुझे रात में एक बहुत जरूरी काम है कल्चर रिलेटेड, और आज ही वो दिन है जब मुझे इतनी तेज नींद आ रही है ना, मतलब इतनी तेज। तो मेरे पापा जी, क्योंकि मम्मी से तो कोई उम्मीद है नहीं, तो मेरे पापा जी ना मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी बना रहे हैं। पापा जी वेलकम बेटा जी, भाई वाह अपनी गरम गरम कॉफी यार, देख रही हो। थैंक यू डार्लिंग। ये क्या था? तुम और के मैच हूँ, मैच के दिखा मम्मी दूर हो जाओ, मेरे पापा, मेरे पापा जी दूर हो यार, आई कांट सी सम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। अरे क्यों ऐसा लगा कुकर में से सीटी बजी। लाल हो गए पापा। मम्मी को मुंह देख के इतने हंसी आ रही है, कितने क्यूट है। नहीं नहीं हो गई एकदम। अरे नहीं रे, ओए क्रोकोडाइल आजा आजा आजा, क्रोकोडाइल आजा, ओए क्रोकोडाइल। तो जी मेरे प्यारे मित्रों, फिलहाल टाइम अपना हो गया है वही 8:30 बज चुके हैं, और मैं तुम्हें बता दूं हमारी जो सफारी गई है ना सर्विसिंग पे, वो अभी तक नहीं आई है, और शाम में मतलब शाम तो हो ही गई। हमें जाना है कहीं, जो कि मैं आपको तभी बताऊंगी, ठीक है। तो मेरा प्लान है था, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि गाड़ी आई नहीं रही है, उसमें कोई तो दिक्कत हो गई थी, उसके शीशे वीशे जो है ना वो चढ़ते नहीं थे उतरते थे, कुछ तो था। तो पापा ने कहा कि गाड़ी हमारी दे जा ताकि हम थोड़ा सा चले जाएं। तो हाँ अभी तक तो आई नहीं है, अब जाना है, तो देखते हैं जैसा भी होता है मैं आपको बता दूंगी। दूसरा मैं यहाँ पे अपना यार काम कर रही हूँ, कल अपना जो है वो शूट शुरू है जी, ठीक है। तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी, मैं अभी तो नहीं बताऊंगी। काफी सारी चीजें आने वाली है सही सही, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और जो वीडियो मैंने प्लान किया है उसी के बारे में अभी सारा कर रही हूँ मैं, कैसे क्या करना है, कल से काम शुरू है अपना। तो जी मेरे प्यारे मित्रों, हमारी सफारी फाइनली आ चुकी है, बहुत ज्यादा खुशी है। क्या है मम्मी यार, यार मैं हूँ लाउड पर्सनालिटी अब, इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, क्योंकि तुम में से कोई नहीं है ना। कैमरा मेरी तरफ करिए प्लीज। हेलो गाइस, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनका रिजल्ट आने की खुशी में आज इनके पापा पार्टी दे रहे हैं। तो गाइस प्रॉपर सर्विसिंग हो गई सफारी की, आवाज एकदम चेंज, चलने में बिल्कुल मक्खन है। तो जी मेरे प्यारे मित्रों, बढ़िया सी टेस्ट ड्राइविंग हो गई है हमारी इस प्यारी सी शेर सफारी की। क्या है ना, पापा जी ने पैसे थोड़े से डाले हैं इसमें, और वर्थ भी है, कोई आवाज नहीं आ रही। मतलब अभी ना बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, आवाज आ रही थी सफारी में,
कुछ कुछ चीजें खराब भी थी, सब एकदम फैंटास्टिक हो चुका है। चलो बंटर बच्चों, चलो जी कंग्रेचुलेशंस छोटे पाजी। एग्जाम की तैयारी मैंने बताया अच्छा। ना आपको इसलिए नहीं आ रहे थे, अंत भला सब भला, सब वॉइस करना। अरे क्या बात, ग्रैंड पार्टी होगी। सबसे जो एक फेवरेट वाला होता है ना ऑर्डर, जो आके बंदा सबसे पहले करता है, वो है हमारा ये, जो मम्मी जी को भी पसंद है, पापा जी को भी, इनको भी और मुझे भी। तो हम यहाँ सबसे पहले आके ना यही ऑर्डर करते हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर कुकू और मेरा है अनियन कैप्सिकम पिज्जा, और मम्मी जी का क्या है मम्मी जी? मसाला डोसा फ्रेश पनीर से, फ्रेश बना रहा था, तो मुझे लगा आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। थैंक यू सो मच। दिस इज चिली पनीर जी, स्पेशली अंकल ने हमारे लिए इसको बनवाया है क्योंकि फ्रेश पनीर आया था एंड अंकल इज सो स्वीट। तो मम्मी जी आप जरा टेस्ट करके बताओ यार। तो गाइस फाइनली हमने खा पी लिया है और टाइम हो रहा है 10:45 और हम काफी जल्दी घर पहुंच जाएंगे क्योंकि पास में ही घर। ब्रो थैंक्स फॉर द पार्टी, आपने क्रैक किया तो हमें ठूसने को मिला। लेकिन पार्टी पापा ने दी है। हाँ तो तुम जाके थैंक यू बोलो ना, बोल को क्यों बोल रहे। थैंक यू। तो जी मेरे प्यारे मित्रों, फिलहाल 11:01 हो रहा है, हम आ गए हैं घर, कपड़े बदल लिए, मेकअप धोना बाकी है। दैट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। क्या गिरा? कुछ नहीं, इधर आओ तुम। और गाइस वक्त है फिलहाल प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे कमेंट्स पढ़ने का। चलो जी जल्दी थोड़ा। मयूरी अग्रवाल जी ने लिखा है वेरी नाइस अनुष्का जी, सो क्यूट कुकू जी, सबसे प्यारी आपकी मम्मी जी और सबसे प्यारी आपकी वीडियो। दो जगह मैंने मुंह बना दिया कि वेरी क्यूट कुकू जी और सबसे प्यारी, बाकी अनुष्का जी इज क्यूट एंड वीडियो इज द बेस्ट, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो दो बातें बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। थैंक यू सो मच। श्वेता चावला जी ने लिखा है एवरी व्लॉग गिव्स सो मच रिफ्रेशनेस माई लवली गॉड सिस्टर्स। ये बहुत प्यारी चीज, ये बहुत प्यारी चीज है, मेरा मोटिव ही यही है ना, वही मैंने बताया था ना पॉजिटिविटी वो करना, क्या स्प्रेड, हाँ फ्लैट। तो जी हाँ यही मेरा मोटिव है और ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। फिर अर्पित गुप्ता जी ने लिखा है ओ मैं क्या जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है? यार मैं हूं ऐसी अब। फिर मनीष शर्मा जी ने लिखा है मजे आ गए आज तो, मेरा रिप्लाई मिल गया और मम्मी जी को राम राम। बिल्कुल जी मैं राम राम आपकी तरफ से बोल दूंगी और मुझे राम राम। ओ गाना कब से नहीं सुना ना। ओ भाई आपने अच्छा गाना याद दिलाया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ और दूसरा हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया, तो रिप्लाई तो बनता ही ऑफ कोर्स, तो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। फिर तन्वी ने लिखा है अमेजिंग ब्लॉग, थैंक्स ब्रो, थैंक्स अ लॉट। फिर मयूरी अग्रवाल जी ने लिखा है वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू मयूरी जी, थैंक यू सो मच। फिर भरत श्रीवास्तव जी ने लिखा है लवली ब्लॉग्स गॉड जी सिस्टम, थैंक यू सो मच भरत जी। फिर शिलेश मालवीय जी ने लिखा है नाइस चेयर्स गाइस चेयर्स। अरे वो जाम असली शिट, अरे वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक थी। अरे होता भी तो मतलब होता ही नहीं ना पहली चीज तो, बट चलो चीयर्स कोल्ड ड्रिंक सही। फिर मोनिश्का जी ने लिखा है दी मेरा कमेंट भी नहीं पढ़ा आपने, वैसे आप बहुत क्यूट हो और एक बात ये मानो कि प्लीज एलविश आपको अगर अच्छे लगते तो इनकी किसी वीडियो या कॉमेडी वीडियो पर रिएक्ट करो प्लीज प्लीज। डेफिनेटली डेफिनेटली इसको हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जल्दी करेंगे आई प्रोमिस। मुझे भी बहुत मजा आएगा, सच बता रही हूँ बहुत मजा आएगा क्योंकि मेरा फेवरेट यूट्यूबर है वो। और बाकी आपका मैंने रिप्लाई कल किया था, आई थिंक किया ही था ना, मैं सारे पढ़ती हूँ। ये बन रही है ना सारे पढ़ती, ताकि इसको गाली ना पड़े। ये सारे पढ़ती है, ये सारे पढ़ती है और मैं भी सबको रिप्लाई करती हूँ। आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप एंड तक देखना वीडियो, आपका रिप्लाई है, मुझे याद है आपका नाम कल ही तो मैं बोल रही थी इसलिए।
तो वो व्लॉग आ जाएगा ना, आ जाएगा होगा। एक बार पहले मैंने कहा है ना। हाँ चलो जी। फिर दीपक जी ने लिखा है इसके बाल काटो। किसके? मेरे। अबे यार बालों से क्या फेटिश है। फिर मोनिका जी ने लिखा है अनुष्का दी आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू बट आई एम टू फार फ्रॉम यू बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान बट वी विल मीट सून इफ इट इज पॉसिबल एंड थैंक यू दी यू हैव गिवन सो मच इम्पोर्टेंस टू माई कॉमेंट एंड यू आर माई फेवरेट वन ऑन यूट्यूब लव यू सो मच दी। कितना खुश करोगे एक ही जिंदगी में मुझे यार, तुम कितने प्यारे हो यार, तुमने मतलब मेरे को फेवरेट बना रखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो मैंने क्या ही अच्छा काम करा है यार, लेकिन जो आप लोगों से मैं कनेक्ट हो पाई हूँ ना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब आई हैव डन ऑन यूट्यूब। क्योंकि लोग ना ये नहीं कर पाते, लोग वीडियो बना लेते हैं डाल देते हैं, कनेक्शन बन नहीं पाता। तुम कहाँ चली गई, हट चल निकल। तो मैं यही कह रही थी कि गाइस जो मैंने आप लोगों से कनेक्शन बनाया है ना, जो आप अब हम यहाँ बातें करते हैं इन दी एंड, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत मजा आता है। और आप राजस्थान से हो भाई, राजस्थान इज सो ब्यूटीफुल यार, मुझे और मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो यार ट्रिप प्लान करूंगी मैं वहां की डेफिनेटली, और वहां होंगी तो आपको जरूर से बताऊंगी व्लॉग में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। नेक्स्ट क्यों पढ़ू, खत्म हो गया, इसको जानती हूँ मैं। तो जी ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे नहीं बहुत प्यारे कॉमेंट्स, और अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।